हेलो गाइस, आज मैं आप सभी को सीम की कटिंग करना बताऊंगी। पहले मैंने डबल फोल्ड किया है पेपर को, अब मैं इसे एक बार और फोल्ड करूंगी। जैसे कि मैं 3 इंच की आस्तीन बनाऊंगी तो हमें बंद साइड में निशान लगाना है आस्तीन की लंबाई का। 3 इंच की हमारी आस्तीन है तो हमें 1 इंच प्लस करना है, तो हम यहाँ से 4 इंच लेंगे। फिर उसके बाद में आस्तीन की चौड़ाई हमारी 5.5 है, फिर हम यहाँ से 1.5 इंच प्लस कर लेंगे तो हमारा 7 इंच हो गया एक तरफ। अब यहाँ से हम ये लाइन ऐसे मिला देंगे। इधर से हमें लेना है 8 इंच, 8 इंच पे हम मिला देंगे। ये यहाँ पर हमारा बॉक्स रेडी हो गया है। अब इधर से हमें नीचे से लेना है 2 इंच, 2 इंच पे हम ऐसे मिला देंगे। अभी मैं यहाँ पर गोलाई दे दूंगी, ये मेरा गोलाई दे दिया है मैंने ऐसे। अब फिर ये मैंने फिटिंग के निशान में, और ये हमारा है निशान, इसमें स्टिचिंग होगा। और ये अब ये ऐसे मैंने लाइन खींच दिया है, ये हमारा स्टिचिंग का निशान है। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये हमारी 3 इंच की आस्तीन रेडी हो गई है। अभी हम यहाँ से एक और निशान लगाएंगे जो कि गहराई देंगे। यहाँ से हम फ्रंट साइड में ये आएगा हमारी आस्तीन में, ये निशान हमारी आस्तीन में फ्रंट साइड में आएगा। अब इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे बीच में से। ये हमारी 2 आस्तीनें रेडी हो गई हैं। ये हमारी आस्तीनें हो गई हैं, एक ये हो गया हमारा आस्तीन और ये 2 आस्तीनें हमारी रेडी हो गई। ये हमारा फ्रंट साइड में आएगा।